दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह श्रीनिवासी से दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस नए टी टेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूं वीडियो लेकर। मैं यूपी गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं मैंने और उनकी भी टी टेस्टिंग रिव्यू मैं लेकर आऊँगा कुछ ही दिन के अंदर। तो दोस्तों आइए, आज का जो हमारा गोडाउन स्टॉक में जो अवेलेबल है वो चाय मैं आज टेस्टिंग के लिए लेकर आया हूँ आपके सामने, और इसका देख लेते हैं हम लोग टेस्ट कैसा है, लीकर कैसा है और इसका अपीयरेंस कैसा है दाने का। तो बारी बारी से आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों पहली जो चाय है ये एनाकहल ओएफ है। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ रेट भी 230 रेट भी दिया हुआ है। इसका अपीयरेंस देखते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों ये ब्लैकिश है और हल्की सी ब्राउनिश शेड में है और एकदम बस छोटे छोटे महीन इसमें फाइबर के जो टुकड़े हैं वो हल्के हल्के सटे हुए हैं, बहुत ही बारीक। तो ये चीज़ है, अच्छा अपीरियंस इसका ठीक है और इसका जो इन्फ्यूज़न है वो भी ब्राइटर है दोस्तों, देखिए। और सामने इसका कप है। अभी दूसरे पे अपना जो आ रहा है ये अवनी का ओएफ है। इसका दाना काफ़ी ब्लैकिश है अगर एनाकहल के मुकाबले देखा जाए, ब्लैकिश और ग्रैनुअल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपीरियंस है। और इसका रेट जैसा कि 158 का है और इन्फ्यूज़न जो इसका है ब्राइट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ब्लैकिश है दोस्तों। मैं कहूँगा इसके मुकाबले एनाकहल के मुकाबले काफ़ी ब्लैकिश है और ये लीकर जो है एनाकहल के मुकाबले लाइट है। रेट में भी डिफरेंस है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंशिएशन है। उसके बाद ये आपका मिलन का बीपी है, ग्रैनुअल ब्लैकिश बीपी ग्रेड में दोस्तों, अपीरियंस इसका ठीक ठाक। उसके बाद आपका ये देखिए इन्फ्यूज़न भी इसका सही है, ब्लैकिश है, ब्राउनिश कॉपरी तो इन्फ्यूज़न नहीं है इसका। और ये देखिए कलर अच्छा है लीकर में, लाइट कलर है बट कलरफुल कप है। और इसके बाद आपका यह है नागडाला का आपका ओएफ है, 257 इन्वॉइस नंबर और 296 इसका रेट बता रहा है। तो दोस्तों देखिए इसका नागडाला का अपीरियंस, ये ब्लैकिश है और जैसा कि एनाकहल का अपीरियंस था थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर का जो आपके फाइबर आते हैं वो इसमें थोड़े थोड़े हैं छोटे छोटे। और इसका जो इन्फ्यूज़न है दोस्तों ये ब्राइटर है। देखिए दोस्तों मैं इन्फ्यूज़न पे जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि जो चाय इन्फ्यूज़न में ब्राइटर होगी वो चाय लीकर अच्छा देगी, टेस्ट भी बढ़िया रहेगा, जैसा कि एनाकहल का भी है बट सबसे ब्राइटर इसका आ रहा है आपका नागडाला का इन्फ्यूज़न। और कलर भी देखिए अच्छा आया है लीकर में, गाढ़ापन भी है। देखिए इन तीनों के मुकाबले अभी तक सबसे मस्त कलरफुल और गाढ़ापन नागडाला में आया है। रेट आपका 296 है। उसके बाद आपका मोर पानी का बीपी है, 166 इन्वॉइस नंबर है इसका, देख पा रहे दोस्तों। ये दोस्तों ग्रैनुअल है और इसमें इसका जो दाना है सिंगल ग्रेड है बट इसमें देखिए ओएफ जैसा भी लग रहा है, जैसे लग रहा है बीपी और ओएफ का ब्लेंड है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा, मतलब इसका अपीरियंस अगर कहा जाए तो ब्लेंडेड टाइप का दिखने में है और कलर भी अच्छा आया है, बीपी का जो एक्चुअल जो कलर होता है उससे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है कप, क्योंकि इसमें जो है ओएफ टाइप का ब्लेंड लग रहा है इसके कारण ये ज़्यादा कलरफुल आ रहा है। तो दोस्तों आप सेकंड में इसके बाद जो आ रहा है आपका नॉर्वेन का ओएफ है, ये 261 इसका रेट है। चलिए देखते हैं जी, इसका अपीरियंस काफ़ी बढ़िया ग्रैनुअल है, बहुत ही अच्छा दानेदार एकदम अपीरियंस है, एक समान दाने लग रहे हैं, ब्लैकिश है, बहुत ही अच्छा अपीरियंस है नॉर्वेन का दोस्तों। स्मेल भी अच्छी है इसकी, खुशबूदार है चाय और ब्राइटर है इन्फ्यूज़न बट नागडाला के अकॉर्डिंग कम ब्राइटर है अगर देखा जाए इसके कंपैरिजन में। और लीकर देखिए इसका ब्राइट कप कलरफुल कप आया है। उसके बाद आपका मानवी का ओएफ है, मानवी का ओएफ है दोस्तों, जो भाई होटल लाइन या टी स्टॉल वालों को चाय देते हैं ये उनको 158 के रेट में मिलेगी। इसमें ये थोड़ा पीड़ी टाइप का भी लग रहा है हल्का सा, हालांकि सिंगल ग्रेड है और ब्लैकिश ब्राउनिश है दोस्तों, ज़्यादा ब्लैकिश नहीं है, ब्लैकिश ब्राउनिश शेड में है, इन्फ्यूज़न थोड़ा ब्लैकिश है। और ये इसका कप है सामने, अच्छा कलर है। उसके बाद गोलतुली ओएफ 162 का रेट है, गोलतुली भी दोस्तों
ब्लैकिश है अपीरियंस में, ज़रा सा ब्राउनिश शेड में आ रही है, ग्रैनुअल है, एक समान दाने हैं, ये ब्लेंडेड टाइप का फील नहीं हो रहा है। और इसका कलर देखिए दोस्तों, इसके मुकाबले मानवी जो ओएफ है उसके मुकाबले थोड़ा लाइट है, मानवी का गाढ़ा है, क्योंकि ये थोड़ा ब्लेंडेड टाइप का फील हो रहा था दोस्तों। आपने देखा होगा मैंने जब दाना दिखाया था, जैसे एक बार और दिखा देता हूँ, ओएफ और पीडी टाइप का ये लग रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह के जो दाने होते हैं दोस्तों, ये कलर बहुत अच्छा देते हैं, गाढ़ापन देते हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप लोग बाई करते समय। और ये जो है गोलतुली ओएफ, वो ग्रैनुअल है, एक समान दाने हैं इसमें। जो लोग अपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो कप चाहते हैं उनके लिए बेहतर आपका मानवी ओएफ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ये दोस्तों बीपी है मानवी का ही, मानवी का बीपी है, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये इसमें बीपी और ओएफ का ब्लेंड टाइप का लग रहा है, बट ये सिंगल ग्रेड ही है, बीपी है। और सामने इसका लीकर है, कलरफुल और लाइट हल्का लीकर है इसका। उसके बाद फिर लास्ट में आपका गोलतुली का ओएफ है। इनवॉइस नंबर इसका अलग है, 493 है, और उसके पहले वाला जो दिखाया था उसका 494 था। ये देखिए दोस्तों, इसका गोलतुली का ये थोड़ा सा ओएफ और हल्का सा पीडी टाइप का फील हो रहा है, ब्लेंडेड टाइप का, ये अच्छा है इसका अपीरियंस। ये सामने कप है इसका, इसका जो इन्फ्यूज़न है ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है, बट ठीक ठाक है इसका, ब्लैकिश भी नहीं है, काला नहीं है। उसके बाद आपका मिलन का बीपी है, 144 रेट बता रहा है इसका। ये मिलन का बीपी दोस्तों, ब्लैकिश अपीरियंस है इसका, ग्रैनुअल है, दानेदार पूरे। ये आपके यूपी बिहार साइड में इस तरह के ग्रेड चलते हैं। उसके बाद ये जो है लास्ट में आपका भारती डायमंड, भारती डायमंड दोस्तों इसका अपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। इसका ये जो ओएफ है पीडी टाइप का, मतलब ओएफ का एक साइज होता है थोड़ा सा स्मॉलर टाइप में, तो स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका ग्रैनुअल साइज़ है दोस्तों। और कलर भी इसका देखिए बहुत ही अच्छा आया कप, इसके बगल में जो कप लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करें तो इसका कप अच्छा है, भारती डायमंड का 198 का रेट है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया कलर आया, कलर इसका बहुत ही गाढ़ा और कलरफुल है अगर इसका देखा जाए लीकर। अब इसके बाद दोस्तों मैं लीकर की टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट आ रहा है एक एक करके। दोस्तों एनाखाल ओएफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसमें जो चाय की जो खासियत होती है कसैलापन, वो बहुत ही अच्छा है इसमें, इम्प्रूव है बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपका अवनी का ओएफ है, अवनी का ओएफ स्मूथ चाय है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कसैलापन जो कड़वापन बोलते हैं हम लोग वो उतना नहीं आ रहा है अगर एनाखाल के मुकाबले हम कंपेरिजन करें। उसके बाद आपका मिलन का बीपी है, मिलन की जो बीपी है दोस्तों ये थोड़ा सा लाइट टेस्ट में है और हल्का सा एकदम जस्ट बहुत ही नॉर्मल सा फायरी धुएं धुएं से थोड़ा टेस्ट इसमें आ रहा है, एकदम हल्का सा। उसके बाद आपका ये नागडाला ओएफ, दोस्तों इस चाय में स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है नागडाला में, स्वाद प्लस इसका जो ब्रिस्क है, ब्रिस्कनेस जो बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है इसका दोस्तों, जीभ पे काफ़ी देर तक स्टे कर रहा है। ये मोर पानी का दोस्तों बीपी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है मोर पानी बीपी का, 175 जैसा कि रेट देख रहा हूँ मैं, टेस्ट अच्छा है इसका। उसके बाद आपका नॉर्वेन का ओएफ है, बढ़िया इसमें दोस्तों कसैलापन इसमें काफ़ी अच्छा है नॉर्वेन में। उसके बाद आपका मानवी ओएफ, मानवी ओएफ में हल्का हल्का स्वाद मिल रहा है दोस्तों, कसैलापन भी है इसमें, अच्छा कड़क चाय है। गोलतुली भी दोस्तों फ्लेवर में अच्छी है चाय, और अगर इन दोनों के मुकाबले कंपेयर करें मानवी ओएफ और गोलतुली ओएफ में, जो कड़कपन हम लोग बोलते हैं इसमें ज़्यादा है मानवी ओएफ में गोलतुली के मुकाबले,
और गोलतुली में थोड़ा स्वाद ज़्यादा मिल रहा है। तो दोनों का अगर ब्लेंड करेंगे तो स्वाद और कलर दोनों बराबर आ जाएंगे और अच्छी मतलब एक चाय तैयार हो जाएगी दोस्तों ब्लेंड करने के बाद। इसके बाद मानवी बीपी है, मानवी बीपी में टेस्ट अच्छा है दोस्तों, लाइट टेस्ट है, अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। गोलतुली ओएप मानवी बीपी के मुकाबले अगर कंपेयर करें, अभी जस्ट मैंने टेस्ट किया उसके पहले ही, तो इसमें कसैलापन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है मानवी बीपी के मुकाबले और थोड़ा टेस्ट लगभग उसी के प्रकार का आ रहा है। उसके बाद आपका मिलन बीपी, मिलन बीपी में भी दोस्तों काफ़ी लाइट टेस्ट है और थोड़ा धुएं धुएं सा टेस्ट आ रहा है, जला जला सा थोड़ा टेस्ट आ रहा है इसमें, एकदम माइनर सा। उसके बाद भारतीय डायमंड, भारतीय डायमंड में एक अच्छा टेस्ट आ रहा है दोस्तों और गाढ़ापन भी है चाय में, अच्छी चाय है। अब हम लाइन बाय लाइन इसमें दूध डाल देते हैं दोस्तों। दूध डालने के बाद देखते हैं कि कैसा कलर आ रहा है, कौन सा कप ज़्यादा बेहतर है कलर में, कौन सा डाउन है, क्या है, प्रॉपर समझ में आएगा दूध डालने के बाद। हम लोग आफ्टर मिल्क ही मेनली देखते हैं क्योंकि CTC चाय है, दूध के साथ ही हम लोग पीते हैं जो भी भाई हैं। और अभी देखिए बारी बारी से मैं डाल ले रहा हूँ इसमें, काफ़ी सारे कप हैं दोस्तों जिसमें इन्फ्यूज़न ब्राइट कम है और कुछ कुछ जो है काफ़ी ब्राइटर आए हैं, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ब्राइट इन्फ्यूज़न वाला कप बेहतर माना जाता है और होता भी बेहतर है। अब लोग देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने दूध डाल लिया है, आइए बारी बारी से टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है चाय का, बारी बारी से पता करते हैं। तो दोस्तों पहला जो था हमारा एनाकाल ओएफ था, दोस्तों एनाकाल जो ओएफ है इसमें टेस्ट बहुत ही बेहतर आ रहा है और इसमें कसैलापन भी अच्छा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है अवनी ओएफ, दोस्तों ये काफ़ी लाइट पड़ गया है और इसका जैसे कलर भी देखिए काफ़ी हल्का और एकदम डल सा कलर पड़ा है अगर इसके अपीरेंस में देखा जाए तो। उसके बाद जो तीसरा आ रहा है मिलन बीपी आ रहा है, उसको टेस्टिंग करते हैं हम लोग। जैसा कि मैं बोल रहा था दोस्तों, लीकर के समय जब टेस्टिंग कर रहा था मिलन बीपी का, उसमें थोड़ा धुएं धुएं सा टेस्ट आ रहा था, वो अभी भी जस्ट हल्का सा मिल रहा है और थोड़ा सा कम हो गया दूध डालने के बाद, लेकिन आ रहा है उसका टेस्ट। नाक डाला ओएफ दोस्तों काफ़ी ब्राइट कप है, देखिए ये एनाकाल ओएफ जो बेस्ट था उसके भी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपका नाक डाला जो है ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लग रहा है इसके कंपैरिजन में एनाकाल, तो ये काफ़ी ब्राइटर है अभी के जितने भी 12 कप लगे हुए हैं उसमें से। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है दोस्तों इसका, पूरा जीभ पे फैल रहा है इसका गाढ़ापन, थिकनेस जो है बहुत ही बेहतर है और जो कड़कपन है बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें। इसके बाद आपका मोर पानी बीपी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद है दोस्तों मोर पानी का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट सा इसमें टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा कड़वापन नहीं है चाय में, अच्छा स्वाद है काफ़ी। नॉर्बन ओएफ कड़क है दोस्तों, अच्छी चाय है, इसमें भी टेस्ट है। तो नॉर्बन ओएफ ये और नागडाला, उसके बाद अपना एनाकाल, ये तीन कप कलर में काफ़ी बेहतर आए हैं और सबसे बेहतर ब्राइटर में आपका नागडाला है। ये आपका एनाकाल ओएफ है, ये नागडाला ओएफ है और ये लास्ट वाला तीसरा नंबर आपका नॉर्बन ओएफ। तो ये है दोस्तों, बाकी और कप भी अच्छा है, ये बीपी मोर पानी का भी अच्छा कप आया है, इसका ब्राइट कप है, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मानवी ओएफ दोस्तों गाढ़ापन है चाय में और कड़क भी है। गोलतुली ओएफ दोस्तों टेस्ट में मानवी ओएफ से ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। उसके बाद आपका मानवी बीपी है 158 का रेट, अच्छा टेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा कड़वापन नहीं है इसमें, टेस्ट सही है। गोलतुली ओएफ जैसा कि स्वाद इसमें अच्छा मिल रहा है दोस्तों, ज़्यादा कड़वाहट नहीं है चाय में। मिलन बीपी
इस वाले मिलन बीपी में दोस्तों हल्का सा धुएं धुएं सा फायरी टेस्ट आ रहा है, इसमें जला जला सा। अब लास्ट में जो भारतीय डायमंड था उसको टेस्ट कर लेते हैं। ये चाय दोस्तों बढ़िया है, टेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा कड़वा कड़वापन आ रहा है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा स्वाद इसमें दूध डालने के बाद नहीं दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों ये थे सारे टेस्टिंग रिपोर्ट मैंने आपको दिखाए हैं। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, रेट वगैरह या फिर सैंपल आपको चाहिए या डायरेक्ट आपको माल चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा यूपी के जो हमारे सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उनके ऊपर। ओके दोस्तों, नमस्कार।